लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 22 मार्च 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी वेबसाइट पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश भी कोरोना वायरस के डेंजर जोन में है, और आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, अपने घरों के अंदर ही आप लोग हैं। हम आपको सूचित कर दें कि हमारी टीम भी आपको किसी भी तरह का, जब तक सरकार की तरफ से कोई सेफ एडवाइजरी नहीं जारी की जाती, तब तक हम किसी भी तरह का आपको पोस्ट नहीं कर सकते हैं। आपके जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उसे हम रिसीव कर रहे हैं। जैसे ही कोरोना वायरस से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, तभी अगली हार्ड कॉपी आप तक पहुंच पाएगी। तब तक के लिए देखिए, यदि आप इस सारे के सारे जो अभी तक हमारे प्रदेश और देश में सिचुएशन बनी थी, आप इसको पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे बहुत ही ज़्यादा अध्ययन सामग्री सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भी उपलब्ध है। आपको किसी भी तरह का कोई उसमें खतरा नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित वे से आप वो सारी अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। ई मेल के माध्यम से कर सकते हैं, या आप इलाइव स्टडी का जो आपका अकाउंट बनेगा वहाँ से भी आप कर सकते हैं। कृपया आप थोड़ा सॉफ्ट प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा जाएं, वो सेफ है, और आप उनके घर बैठे तैयारी आपने करते रहना है, अपने पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। यदि मेरे पास समाचार पत्र नियंत्रित रूप से मिलते रहें, तो आपको ये वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आपको इस जिस तरह की जो व्यवस्था है उसमें आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। और कल जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे, तो आपको पता है कि जनता कर्फ्यू का आयोजन किया जा रहा है पूरे भारत में। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे इलाइट फैमिली के साथ में जुड़े हैं, आप लोग भी अपने घरों में बने रहें, और 5 बजे जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें एक बार सैल्यूट जरूर करें। जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होगा उसकी ध्वनि के साथ में जरूर करें, और साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ अपनी तैयारी और अपनी सुरक्षा करते रहें। आइए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स की। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ज्ञात होगा 2016 में एक एक्ट बनाया गया था जो कि दिव्यांगों से संबंधित है, और उसमें ये व्यवस्था की गई है कि जो दिव्यांग है उन्हें 4% तक की सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की किस महिला कबड्डी खिलाड़ी को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है? तो आपको ज्ञात होगा कविता ठाकुर है, काफ़ी ज़बरदस्त खिलाड़ी है कबड्डी की, और देखिए हिमाचल प्रदेश में इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की पहली ई लाइब्रेरी कहाँ पर तैयार हो रही है? तो इसका सही उत्तर है शिमला। शिमला के समीप में हिमाचल प्रदेश की एक ई लाइब्रेरी बनाई जा रही है। यदि आप निरंतर रूप से हमारे वीडियो सुनते हैं, तो मैंने बताया था किसके नाम पे इसका नामकरण किया गया है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में 2 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं? तो देखिए, प्रारंभिक जांच की गई है, अभी तक टांडा अस्पताल में 2 मरीज रजिस्टर किए गए थे, तो उनकी प्रारंभिक जांच है उसमें पाया गया कि दोनों कोरोना वायरस से वहां पे वो देखा गया है कि उसका पॉजिटिव मामले सामने आया है, लेकिन इसकी फाइनल रिपोर्टिंग के लिए पुनः उन्हें भेजा गया है। लेकिन फिर भी हिमाचल इससे वंचित नहीं है। यदि आप लोगों ने आज की स्टेटमेंट सुनी होगी माननीय मुख्यमंत्री की, या जैसे हम विशेष तौर से कांगड़ा में बात करें, धारा 144 वहाँ पर लगा दी गई है। और देखिए, जितना आपसे हो सकता है मैं पुनः अपने वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने इस समय को अपने कमरे के अंदर घुस जाएँ, वहाँ पर निरंतर रूप से तन मन धन से अपने पढ़ाई करते रहे, सबसे बेहतर विकल्प है। बाहर की दुनिया का जो भटकाव है उससे भी आप लोग बचे रहेंगे, और इस तरह की महामारी से बचने के लिए भी आप सक्षम होंगे। 21 मार्च 2020 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा राजधानी शिमला में सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई गई? देखिए, सर्वदलीय बैठक का मतलब होता है जितने भी हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक दल है, जो भी उनके नेता है, चाहे हारे हुए हैं चाहे जीते हुए हैं, विभिन्न तरह की विचारधाराएँ होती है, लेकिन जब कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाए, जैसे अभी वर्तमान में हमारे प्रदेश में कोरोना वायरस की समस्या काफ़ी गंभीर रूप लेती जा रही है, इसके लिए एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, और इस बैठक में काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली। सभी ने एक स्वर में कहा है कि पहले ह्यूमैनिटीज, मानवता को बचाओ, राजनीति उसके बाद की बात है। तो जो डायरेक्शंस आप लोगों ने आई थिंक पढ़ ली होगी, उन्हें फॉलो करें, अच्छे से फॉलो करते रहना है। और स्टूडेंट्स, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी करें, तो काफ़ी बेहतरीन हमारी किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, इस किताब को भी आप हमारी वेबसाइट से मंगवा सकते हैं। लेकिन ये किताब आपको तभी मिलेगी जब हमें कोई सेफ एडवाइजरी देखने को मिलेगी। हाल ही में मध्य प्रदेश में किस मुख्यमंत्री द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया गया? तो उनका नाम है कमलनाथ। आगे बहुत से प्रश्न आज मध्य प्रदेश के ऊपर भी हमने कवरेज किया हुआ है। भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा अपना इस्तीफा किसे सौंपा गया? तो आपको ज्ञात होगा जो इस्तीफा देने की एक
एक सिस्टम होता है, उसके अंतर्गत जो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का, वो होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल को ही इस्तीफा दिया जाता है। तो इस वर्तमान में यदि हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है लालजी टंडन, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और आपने देखा होगा कि ज्योतिराय सिंधिया जब से कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं, तो उसके बाद ये तो लाजमी था, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी विधायकों का समर्थन है कि वहाँ पर सरकार गिर जाएगी और बीजेपी वहाँ पर कुछ ही दिनों में अपनी सत्ता बना लेगी। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 20 मार्च। 20 मार्च को देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। 20 मार्च 2020 को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम क्या थी? इसकी थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के इजराइल से 16,469 लाइट मशीन गन खरीदने की मंजूरी दी गई है? तो देखिए 800 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है इजराइल और रक्षा मंत्रालय के बीच में हुआ है, बहुत बड़ा अमाउंट है। नेक्स्ट मनीष, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है अब्राहिम मोहम्मद सोलिहा। आपको पता है कि जब से नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषणा की गई है कि जो सार्क की सदस्य है उसके लिए भारत 10 मिलियन खर्च कर रहा है कोरोना की बीमारी से बचने के लिए, तो जितने भी सार्क सदस्य है तो ये भी कोशिश कर रहे हैं सभी कि इस महामारी के लिए कुछ ना कुछ बजट तैयार किया जाए। तो इसी के मद्देनज़र जो जो राष्ट्र अध्यक्ष सुर्खियों में होगा उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जनगणना तथा एनपीआर का कार्य क्यों स्थगित कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कोरोना वायरस के कारण। और याद रखिएगा कि जो जनगणना 10 वर्ष के बाद होती है, 2011 में हुई थी और 2021 में ड्यू है, लेकिन अभी तो 2020 ही चला हुआ, तो आपको पता होगा उससे पहले हाउसों की हाउस जितने भी घर है उसकी जनगणना एट्सेट्रा बहुत से काम होने थे, लेकिन कोरोना वायरस एक गंभीर समस्या बनती यहाँ पर दिख रही है। मशहूर गायिका कनिका समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्यों है? इसका कारण भी कोरोना वायरस है। पूरे भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा 22 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। आप लोग भी इसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे, हमारी पूरी लाइफ स्टडी टीम के साथ में जितने भी जुड़े हुए हैं सभी हम इसका पालन करेंगे, और उसके बाद जो भी सरकार की डायरेक्शन होगी उसे भी हम फॉलो करेंगे ताकि हम सभी सुरक्षित रह के आगे बढ़ सके। NPPA की एब्रीवेशंस है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लें। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी आजकल आपको पता है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, किसी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट्स, पुनः मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ, ऑर्डर आप बेशक हमारी वेबसाइट में हार्ड कॉपी के कर दीजिएगा, क्योंकि हम इनको प्रिंट करके सेफ रख लेंगे। जैसे हमें बीच में भी लगता है कि कोई एडवाइजरी जारी होती है तो हम पोस्ट ऑफिस में इनको फॉरवर्ड कर देंगे। यदि आपका ऑर्डर हार्ड कॉपी की फॉर्म में हमारे पास नहीं आया होगा, यदि आप लास्ट के दिनों में भेजेंगे जब आप इसमें से कोरोना वायरस से जीत जाएंगे, तो उसके बाद उसका आपको स्मेल लगे, तो ऑर्डर आप करके रखिएगा। लेकिन हम आपको पुनः आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ऑर्डर आपको तभी मिलेगा जब सरकार की तरफ से कोई सेफ एडवाइजरी आएगी। और ऐसे भी थोड़ा अवॉइड करना है, बाहर से कोरियर वगैरह एक्सेट्रा कोई चीज़ आती है तो उसे 12 से 15 घंटे तक टच ना करें, ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो वायरस वहीं पर ख़त्म हो जाए। इसलिए हम आपको सुजेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे सॉफ्ट कॉपी के प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का जो बजट की काफ़ी बेहतरीन बुक है, हम इसे भी सॉफ्ट कॉपी में आप लोगों के लिए लॉन्च कर देंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सी किताबें हमारी ऑलरेडी में सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में है, उनका आप लोग लाभ जरूर उठाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, और अपना ध्यान रखिए आप सभी। थैंक यू वेरी मच।